बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में बंद सुखेश चंद्रशेखर ने कैमरे के सामने सनसनीखेज बयान देकर हैरान कर दिया सभी को। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद निकलते वक्त सुखेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। ठगी केस में आरोपी सुखेश चंद्रशेखर इससे पहले भी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई आरोप लगा चुका है। कैमरे पर बोला है सुखेश, आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए, भारतीय जनता पार्टी इसके बाद हमलावर है आम आदमी पार्टी को। देखिए जरा प्रतिक्रिया सुनवा रहे हैं, किस तरह से सवाल पूछा गया और उसका जवाब क्या है। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 करोड़। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 करोड़। इस बीच सुकेश ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। उनके नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सुकेश चंद्रशेखर, बीजेपी के स्टार प्रचारक सुकेश, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस बीच हमले भी हो गए हैं सुकेश के बयान को लेकर। जो आरोप लगाया उसने कि 60 करोड़ रुपए दिए हमने आम आदमी पार्टी को, उसके बाद से बीजेपी हमलावर है पूरे आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, इसमें तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और हमने जीवन में 1 करोड़ कभी नहीं देखा, यह कहना है सौरभ भारद्वाज का। सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर आम आदमी पार्टी का यह बयान सामने आया है। कहते हैं सौरभ भारद्वाज की आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं सुकेश चंद्रशेखर। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज पहली बार अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और ठगी केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की एक साथ कोर्ट में पेशी हुई। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुकेश के पास से तिहाड़ में कई सारे मोबाइल मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने सुकेश को 200 करोड़ ठगी केस में मास्टरमाइंड बताया गया। ईडी के मुताबिक सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिया, लेकिन जांच में पुलिस ने पाया कि 80 करोड़ लिया था। ईडी ने खुलासा किया है कि सुकेश ने तिहाड़ के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल को 5 देने की भी बात कही थी, यानी 5 करोड़। मोहन राज के लिए गाड़ी खरीदी गई जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी 26 लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। कोर्ट सभी कार ईडी को सौंपने के आदेश दिए हैं कोर्ट। तो बड़ी खबर, जहां सुकेश और जैकलिन की एक साथ पेशी हुई, लेकिन किस तरह से यह जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़ा खुलासा भी हो रहा है।